ये तो केवल कहते हैं, करते तो कुछ नहीं। एमएसपी के बराबर कहीं पर भी इन्हें पूछो कि 6 साल में गन्ने का रेट कितना बढ़ाया, कितनी महंगाई, खाद पर रेट कितना, बिजली पर रेट कितना, पानी पर रेट कितना, सब पे महंगाई कितनी बढ़ी, हिसाब जोड़ो। शिक्षा को महंगाई हो गई है, कितनी महंगी, पहले से दूना हो गया, सब जगह महंगाई, कितने पैसे पड़े, तो बताइए सरकार ये मदद किसकी कर रही है, पूंजीपतियों, कौन पूंजीपति है बताओ, दो गुजराती और दो गुजराती और यहाँ ठेका किसको हो रहा है, बड़े बड़े ठेका पता ले जा लेना, बड़े छोटे ठेका केवल गुजरातियों को हो रहा है, मत पता कर लेना। हम लोगों की सरकार में अगर कहीं पर भी काम करते थे तो उसी जिले के लोग, वहीं के लोग, सब लोग काम करते थे। इन्होंने तो बेरोजगारी और फैला दी। उसकी वजह से जब यहाँ के लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा है तो बताओ उसी की वजह से तो क्राइम बढ़ रहा। अगर काम मिलता होता, यहाँ के नौजवानों को काम मिला होता तो बताइए तो बेरोजगारी दूर होती, तो क्राइम घटता, उसकी वजह से भी क्राइम बढ़ रहा है और ये रोक नहीं पा रहे। लड़कियों के साथ महिलाओं पर अत्याचार रोज ही हो रहा है, क्या रोक पा रहे, नहीं रोक पा रहे। तो इसलिए हम आपसे अपील करने आए, इन झूठों को, बेईमानों को हटाना है। अभी तक की सबसे बेईमान सरकार आज ही चल सकता है, केवल झूठ बोलते हैं, तो इन झूठों के लोगों को हटाना है। और फिर यहाँ का प्रत्याशी तो दल बदलू है, हर बार नया दल बदलता है, विकास का काम कुछ करता नहीं, तो उसको हराना है। हम गारंटी देते हैं सुधाकर सिंह को जिताना, और आपकी बात 24 महीने हटाएंगे, 27 में सरकार बनाएंगे और इस मऊ जनपद का घोषी से लेकर के पूरा विकास की जिम्मेदारी सुधाकर सिंह के साथ साथ हमें देते हैं। हाँ तो जिता देना, जिता देना, जिता देना, इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं।